दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सोहन और आप देख रहे हैं पटवा गार्डनिंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा इस स्नेक प्लांट के बारे में। ये प्लांट 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इस प्लांट को आप इंडोर रख सकते हैं, घर के अंदर भी रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, पोर्च में रख सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो, बाथरूम में भी रख सकते हैं। ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाकर आप अपने घर को ऑक्सीजन युक्त रखें। बहुत ही कम केयर में चलने वाला ये प्लांट आप किसी भी पॉट में लगा सकते हैं, छोटे पॉट में, बड़े पॉट में, क्ले पॉट में, या ऐसे डब्बों में भी लगा सकते हैं आप। इस तरह के ऐसे ये डब्बे भी, खाली डब्बे जो हमारे पास बचते हैं, इसका मैंने ऐसे उपयोग किया है, ऐसा कटिंग करके और इस टाइप से ऐसा बनाया है और आज मैं इसमें शिफ्ट करूंगा इसको। ये प्लांट मैं 2 महीने पहले लेके आया था नर्सरी से। ये देखिए, जब इसके ये साइड से ऐसा एक ये बेबी प्लांट छोटा सा निकला था, ऐसा निकला था ये, और अब देखिए कितना बड़ा हो गया है ये। ये इतना एक ये निकला है, एक छोटा सा ये निकल गया है, ये बाद में निकला है, और एक ये बेबी प्लांट यहाँ से निकल रहा है। ये देखिए, अब मैं इसको सबको अलग अलग करके इनको शिफ्ट कर देता हूँ। पहले हम इसको निकाल लेंगे, ऐसा इसको फल को हम काट देंगे, इसलिए बोले थे इसको पूरा निकाल देंगे, निकाल लेते हैं। देखिए कितनी रूट बॉन्ड हो गई है इसमें, देखिए इसको पूरा निकाल लेंगे। ये निकल गया है, देखिए कितनी रूट बॉन्ड हो गई है। ये देखिए, इसको कहीं फैलने की जगह नहीं है, इसको हम पूरा ऐसा तोड़ देंगे। तरह से हम पूरा निकाल देंगे इसको, डैमेज ना हो थोड़ा दिखा। देखिए एक यहाँ से भी निकलेगा, ये रूट्स यहाँ से निकल के आ रही थी। इन दिनों इनकी ग्रोथ अच्छी रहती है, ये गर्मी में ज़्यादा ग्रोथ करते हैं और इसे ये देखिए इस तरह की इसकी रूट्स की ऐसी ये कंडीशन है। ये देखिए इस तरह से हम इसे कटर से आराम से इसको ये निकाल दिया, और ये वाले को भी यहाँ से कट कर देंगे, इसको ये गिरा दिया, और एक ये वाला भी जो है ये यहाँ से निकाल दिए, और एक छोटा सा है ये, इसको भी निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे पास ये मेन प्लांट ये हो गया, और 1, 2, 3, 4 प्लांट होगा, एक बेबी प्लांट और है, और ये चारों ग्रो कर जाएंगे। ये देखिए इसके लिए हमारे पास सॉइल मीडिया, देखिए ये है गार्डन सॉइल, और इसमें ये हम ये देखिए ये राइस हस्क है, और ये वर्मी कंपोस्ट है, ये नीम खली है,
और ये स्टोन डस्ट, ऐसा ये सारा मिक्सर हम बना लेंगे इसमें मिट्टी में मिला करके। इसमें जितनी भी खाद वगैरह हमारे पास में थी सारी चीज़ हमने मिला लिया, ये सब मिला लिया और हम इस प्लांटर में भर देंगे इसको, इस तरह से प्लांटर में हम इसको भर देंगे। ऐसा भर के पहले हम ये बड़ा वाला लगा देते हैं, इसको इतना ही गड़ाना है, ये जो थोड़ी थोड़ी रूट्स इसकी निकाल देते हैं, पूरी नहीं निकालना है क्योंकि इन्हीं से इनको भोजन मिलता है, थोड़ी थोड़ी निकाल लेंगे, पूरी रूट से नहीं निकालना है और इसको इतना अंदर कर देना, ऐसे अंदर कर देना है सारी रूट्स को, बहुत इसको बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, तो इतना ही करना है कि जितनी में इसकी रूट्स जो है दब जाए, सिर्फ रूट्स को दबाना है, थोड़ी मिट्टी और डाल देते हैं। से इसको पैक कर देना है दबा के, बाकी यही लेना, आप देखेंगे कुछ दिन में इसमें और भी प्लांट्स निकल जाएंगे, बेबी प्लांट्स, और पूरा भर जाएगा आसपास से डब्बा, इसमें जगह नहीं रहेगी, इसको फिर से दूसरे उसमें सेट कर सेट करना पड़ेगा। इस तरह से हमारा एक प्लांटर बनकर तैयार हो गया है प्लांट, इसी तरह से दूसरे में भी भर देंगे। ये इसको भी हमने थोड़ा कम कर दिया है, इसके नीचे की रूट्स रहने दिया है, इसको हम ऐसा दबा देंगे, इसको भी ज़्यादा अंदर नहीं दबाना है, थोड़ा सा और कम कर सकते हैं इसको, इतना और कम कर देते हैं, इसमें थोड़ी मिट्टी और डाल देंगे, इस तरह से इसको, ये भी बन गया है, देखिए इसको आसपास से थोड़ा पैक कर देंगे, दबा के ये हिलेगा नहीं। ये देख सकते हैं आप, तीनों प्लांट्स को हमने शिफ्ट कर दिया है, और ये देखिए तीनों प्लांट शिफ्ट हो गए हैं, अब इनमें पानी थोड़ा थोड़ा देना है, एक अभी तो पूरा अच्छे से पानी दे देंगे, अभी तो हम इसमें अच्छे से पानी देंगे पूरा भर के, नीचे तक चला जाए जिसमें, ये देखिए इस तरह से पूरा गीला हो जाना चाहिए, आराम से पतली धार से पानी दें ताकि बाहर ना गिरे। देखिए जैसे ही मैं पानी डाल रहा हूँ वैसा ही ये सूख जा रहा है, ये पानी पूरा नीचे तक चला जाता है, मिट्टी ऐसी रहना चाहिए, बेल रहे हैं बिल्कुल, बाद में इसमें पानी आप कम ही दें, इसे हमेशा ड्राई रखें, एकदम से मतलब बिल्कुल सूख जाए पानी, मिट्टी एकदम कड़क होने लगे तब आप इसमें पानी दें, इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, और एक बार में अच्छा पानी दे दें उसके बाद में फिर जब तक मिट्टी सूखे ना तब तक पानी ना दें। मैंने इन्हें यहाँ पर रख दिया है, देखिए दूसरे प्लांट्स के साथ में, और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और इनके तीन नामों से जाना जाता है, इसे स्नेक प्लांट तो बोलते ही हैं, इसे मदर इन लॉज टंग्स प्लांट भी बोलते हैं, और सेंसेवेरिया के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे तीन नामों से ये जानते हैं लोग। बस इसी तरह मुझसे जुड़े रहें, वीडियो पसंद आ रहे हों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो और मिलते रहें। नमस्कार, जय हिंद।